तो आप सभी को पहले तो हैप्पी नवरात्रि। तो अभी बज चुके हैं, सवा छः बज गए हैं, यानी कि खाना बनाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि आज से नवरात्रि शुरू हो गई है। तो गरबा ये सब कुछ करना होता है जल्दी जल्दी, तो हम पहले खाना पका लेंगे और फिर बाद में हम हमारा ये गरबा का जो कुछ है वो करेंगे। तो फटाफट से पहले खाना पका लेती हूँ और फिर बाद में आपको हमारा ये जो कुछ है नवरात्रि का वो दिखाती हूँ। तो दोस्तों, अभी पापा यहाँ पे ये नीम का जो पानी है वो हमारी गायत्री को छाटने वाले, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा लंपी वगैरह से। तो चलिए अभी उसको छाटने चलते हैं। चलिए तो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अभी पापा इसको मारने वाले हैं। भाई ये, अरे अरे भाई ये देखो, अभी गायत्री थोड़ा सा इधर उधर हो रही है एक तरह से। अरे भाई साहब, इसको मतलब ये नहीं रह रही है भाई साहब। ये देखो उसको नहीं, अभी मुझे मजा आ रहा है। ये अभी आप देख सकते हैं मेरे ऊपर फोकस कर रही है। क्या है ये जो है ना, ये नीम का पानी है जो कि ये गायत्री के लिए अच्छा है। अरे भाई साहब नहीं लगाने दे रही है ठीक से। अभी ये ठीक से खड़ी रह गई है, अच्छी बच्ची यार। बेल अभी हो चुके हैं और अभी ऐसा ऐसा कर रही है पानी उड़ा के। ठीक है, अभी तुम वाले बेल हो चुके तो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हुई है वाली ज्वेल ना फोड़वा। ओके ओके, अच्छा अच्छा कानी लाया, ठीक है ओके। अभी यहाँ हमने हमारी कुलदेवी का फोटो रख दिया है, विंध्यवासिनी माता जी का, और ये रहा हमारा गरबा। अभी इसमें हमने गेहूँ और मूंग डाले हैं जो कि सौतन के लिए होते हैं। तो अभी ये हम यहाँ रख देते हैं हमारा ये गरबा है वो, और अभी हम माता जी को ये प्रसाद भी लगा देंगे। अभी ये हम पहले जलाएंगे माता जी के सामने दिया। आज तो हमने कुछ डेकोरेशन किया नहीं है, लेकिन कल हम जरूर डेकोरेशन करेंगे कुछ अलग से। तो अभी हम दिया माता जी को करेंगे। साथ में ही हम ये भी दिया हम करेंगे जो कि गरबा के लिए है। और इसमें हम डालेंगे तेल, क्योंकि ये गरबा वाला जो दिया होता है ना वो तेल का होता है, तो हम इसमें तेल डालेंगे। अभी ये सारा सामान अभी हम यही रख देंगे। तो अभी हम पहले हमारी कुलदेवी का दिया जलाएंगे। और अभी ये हम बेमा का गरबे का दिया करेंगे। तो अभी इसको हम इसमें रख देंगे जल्दी से। जय मारी माँ।
भी माता जी को नमन करके आशीर्वाद ले लेते हैं। हम मंदिर में भी दिया बत्ती कर लेते हैं पहले, फिर बाद में हम गरबा आरती ये सब करेंगे, तो पहले ये कर लेते हैं। पहले हमने माता जी की स्थापना कर ली, अब हम मंदिर में करेंगे। अभी हमारे न्यू भैया भी माता जी को दो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं और नमन कर रहे हैं कि हमें भी अच्छे विचार दें। और ये देखिए प्राथना करके निकल गए हमारे न्यू भैया। तो देखिए दुर्बुधिने दुर्करि सदबुद्ध्या मम पाहि ॐ भगवती भवदुःखपापो धूलोपरि भवरणे भटको भवानी सूचे नहीं लगिर कोई दिशा जवानी पासे भयंकर बड़ी मन ना उतापो मम पाहियो भगवती भव दुख कापो आरंकने युगर वालथि कोइया जननी हो ग्रही बार तारो आरंकने युगर वानथि कोइयारो जन्माद छू जननी हो ग्रही बार तारो मा कर्म जन्म कथनी करता विचार सृष्टि मां तुझ बिना नथी कोई मारूं कोने कहूं कठण योग तनो बड़ापो मम पाहियो भगवती पव दुख कापो काम क्रोध मद मोह थकी छके लो आडंबरे यदि घणो मद थी बके लो दोसो थकी दूषित नाथ अमापो मम पाहियो भगवती भव दुख कापो
ना शास्त्र ने श्रवण नुपय पान पीठू ना मंत्र के स्तुति कथा नथिकाय कीटू श्रद्धा धरी नथि कया तव नाम जापो मम पाहियो भगवती भव दुख कापो रे भवानी भव भूल थई ज मारी आ जिंदगी थई मन अतिशय काढ़ी दोसो प्रचार सकरा तव छाप छापो मम पाहियो भगवती भव दुख कापो खाली न कोई सरच विरयाप धारो ब्रह्मांड मायणु अणु महिवास तारो शक्ति न माप गणवाय गणित मापो मम पाहियो भगवती भव दुख कापो पापे प्रपंच बरवा मधिवाते पूरो खोटो खरो भगवती पण हूँ तमारो जड़यांधकार दूर करी सदबुधियापो मम पाहियो भगवती भव दुख कापो सीखे सुने रसिक छंद जेक जीते तेना धकी त्रिवेणिता पतपे खचीते गांधे विशेष वरियम बतना प्रतापो मम पाहियो भगवती भव दुख कापो श्री सदगुरु ना चरण मारहि में जपजो रात्रि दिने भगवती तुझने भजो छो सदभक्त सेवक तना परिताप जापो मम पाहियो भगवती भव दुख कापो अंतर विशेष यतिक उर्मिथता भवानी गाऊ स्तुति तव बड़ी नमिने मृगानी संसार ना सकल रोग समूह कापो मम पाहियो भगवती भव दुख कापो मातनी।